एवरीवन, दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एरीज के लिए। सो देखते हैं एरीज के लिए बाकी का महीना अगस्त का कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे और चार्म्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं क्या आने वाला है आपके लिए बाकी के महीने में। कास्ट शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक किया करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले मुझे रीच आउट करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो कि मैं कौन सी सर्विसेज कितनी प्राइस पे ऑफर कर रही हूँ, ताकि अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहो। वहाँ पर मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती है। अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तब आप मुझे वहाँ पर फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि क्या होने वाला है आप लोगों के लिए बाकी के महीने में। एवीज के लिए यू डू हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है, आप काफ़ी इम्बैलेंस फील कर रहे हो राइट नाउ अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन आपके लिए सही होगा, क्या डिसीजन आपके लिए सही नहीं होगा। चाहे वो रिलेशनशिप के मामलात हैं, चाहे जॉब के मामलात हैं, चाहे घर के मामलात हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको कोई डिसीजन लेना है, लेकिन आप उस यू नो माइंडसेट में हो जहाँ पे आप ले नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो। इट्स नॉट जस्ट टू थिंग्स दैट यू आर जगलिंग विद, दो चीज़ें नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके माइंड में। जो जैसे सपोज मेरे पास दो ऑप्शन है जिसमें से मुझे चूज़ करना है, लेकिन उन दो ऑप्शन से रिलेटेड मैं पहले आगे जाती हूँ इन द फ्यूचर, फिर मैं वापस पीछे जाती हूँ इन द पास्ट, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें या जो भी आउटकम्स हो सकते हैं मैं उसको सोचते हुए आगे जब जाती हूँ तो और ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं जो कि और कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। और जब दूसरे ऑप्शन के बारे में मैं सोचती हूँ तो भी यही सब होता है। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी जब आपके बाकी का महीना शुरू कर रहे हो 15 तारीख से जो कि आज है। सो आपके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा होगा, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ डिसीजंस को लेकर जो आपने बनाने हैं, लेकिन आप वो डिसीजन ले नहीं सकते क्योंकि आप लिविंग इन द मोमेंट नहीं कर रहे। आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान तब होता है जब आप राइट इन द मोमेंट आप लिव कर रहे हो, जहाँ पे आप ना तो फ्यूचर का ज़्यादा सोचो ना ही पास्ट का ज़्यादा सोचो। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में पास्ट का सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं गलत डिसीजन पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे ले लोगे। अगर आप फ्यूचर का सोचोगे तो आप कहीं ना कहीं डर के मारे, खौफ के मारे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं, आप वो सही डिसीजन शायद ना लो क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कभी ऐसा किया नहीं तो पता नहीं सही होगा या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा डरा के आपको स्टक रखे हुए हैं, और आप एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ का वो आपके लिए लेना मुश्किल हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कि आप इस यू नो इनडिसाइसिवनेस से निकल सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप अपने आपको काम करो, कंपोज करो, रिलैक्स करो, अपने माइंड में जो इनर चैटर जो चलना शुरू हो जाता है उसको ख़त्म करके फिर आप डिसाइड करना चाहोगे तो आपके लिए आसानी होगी डिसाइड करने में, और आपको सही से यू नो एक पिक्चर दिखेगी कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। लेकिन जितना आप अपने माइंड में क्वेश्चंस करोगे, डिफरेंट चीज़ें लेके आओगे और सोचना शुरू कर दोगे बाकी चीज़ों के बारे में कि अगर मैं ऐसा करता हूँ या ऐसी करती हूँ तो क्या फ्यूचर होगा, क्या सिचुएशन होगी, क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, जितने ज़्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे उतने आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगी, डाउट्स बढ़ेंगे, फियर्स बढ़ेंगे। सो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन राइट ना ये है कि आप रिलैक्स करो इस सिचुएशन को लेकर, इस मामले को लेकर जिसके बारे में आपको डिसीजन लेना है। जितना आप इसको लेके काम रहोगे और काम रहते हुए एक आप मेडिटेशन कर सकते हो उसके लिए इफ़ यू वांट। मेडिटेशन करके आपने इस टॉपिक को जो है ना छोड़ देना है एक दो दिन के लिए। आप सिर्फ एक दफ़ा मेडिटेशन करो, सपोज इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे, आप आज रात को सोने से पहले थोड़ा टाइम इसके ऊपर मेडिटेट करो। मेडिटेट करने का तरीका, आपने पहले अपने माइंड से जो भी चैटर चल रहा है उसको बंद करना है ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करके। उसके बाद जब आप ऐसी मेडिटेटिव स्टेट में हो जहाँ पे आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा और सिर्फ ब्लैंक माइंड हो जाए आपका और आपके माइंड एक सुकून आपको फील हो रहा हो, तब आपने इस इशू के बारे में सोचना है कि दिस इज़ द मैटर। जैसे कि आप अपने यू नो गॉड से बात कर रहे हो, आप मतलब शेयर करो कि दिस इज़ द मैटर एंड यू सीक गाइडेंस, दैट्स इट।
उस मेडिटेशन से जब निकलोगे, एक दो दिन के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं उसमें गाइडेंस मिलेगी कि क्या डिसीजन आपके लिए सही होगा. लेकिन अगेन, जैसे ही आप उस मेडिटेशन जगह से उठते हो, या सपोज अगर आप बेड पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे, अगर आप उससे उठते ही अगर आप फिर से वो माइंड चैटर स्टार्ट कर दो कि इट्स नॉट गोना हेल्प, आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है. जितना आप इससे दूर रहोगे, इस चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे, उतना आपको गाइडेंस बहुत ईजिली रिसीव हो जाएगी एक दो दिन के अंदर ही. सो देखते हैं नाइन ऑफ वांड्स. आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो कुछ चीज़ों को लेके, वो अगेन मे बी इसी चीज़ से रिलेटेड लव लाइफ डिसीजन भी हो सकता है. हो सकता है आपको लव लाइफ डिसीजन लेना है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना चाहिए. हो सकता है आप किसी को छोड़ना चाह रहे हो सकता है आप नया रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हो सकता है आप चाह रहे हो कि आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आए कि फ्यूचर आपका इस इंसान के साथ है, करंट वाले के साथ, या आपका कोई नया प्रपोजल एक्सेप्ट करना आपके लिए बेटर रहेगा. कहीं ना कहीं वो आप क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप बेसिकली आपने अपने गार्ड जो है वो अप रखे हुए हैं. आप मतलब यू आर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड, चाहे वो जो भी डिसीजन है जिसकी वजह से आपने अपने आप को रोका हुआ है. लेकिन ये आपकी चॉइस है, टू मूव ऑन या टू स्टे स्टक हियर, आपकी अपनी चॉइस है. लेकिन हाँ, अगर आप राइट डिसीजन लेना चाहते हो तो अपने माइंड चैटर को ख़त्म करो, और फिर आप इस कंडीशन में होगे कि आपको क्लैरिटी नज़र आए और आप राइट डिसीजन ले सको. लवर्स, आपके पास ऑप्शन हैं जिसमें से आपको चूज़ करना है. द जजमेंट, जब आप ये मेडिटेशन कर लोगे तो आपके लिए खुद ही से क्लैरिटी आ जाएगी. जैसा मैंने कहा, जो भी चीज़ें अभी आपको रोक रही हैं, जिसकी वजह से आपका आपका दिल नहीं करा कि आप एक डिसीजन ले पाओ, कहीं ना कहीं आप खुद जो आपका अगर इनर गाइडेंस भी आपको गाइड करे, आप कहीं ना कहीं थोड़ा रिलक्टेंट हो गए उस चीज़ को, उस मैसेज को रिसीव करने के लिए, क्योंकि शायद वो चीज़ नहीं है जो आप चाहते थे. जैसे सपोज़ अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक इंसान है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, लेकिन आपका कोई और प्रपोजल आया हुआ है एंड आपको लग रहा है कि शायद मेरे लिए मूव ऑन करना बेहतर है, चूँकि आपको एक इनर कॉलिंग आ रही है कि मूव ऑन कर जाओ. लेकिन कहीं ना कहीं आप रुक रहे हो सोचते हुए कि क्या ये सही डिसीजन रहेगा, उसको तो मैं जानती थी या उसको तो मैं जानता था, तो उसके साथ तो मेरा रिलेशनशिप अच्छा रह सकता है. इट कैन बी दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग टू. ये खाली लव लाइफ की सिचुएशन नहीं, आपके वर्क की लाइफ में भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपको दो जॉब्स में से या दो कामों में से चूज़ करना कि कौन सी फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगी. इन दैट सिचुएशन टू कहीं ना कहीं आपको इनर कॉलिंग आ रही है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आपको पेमेंट कम मिल रही हो, आपको सैलरी कम मिल रही हो, तो आप थोड़ा इंडिसाइसिव हो. तो मतलब गो विद योर इनर कॉलिंग और आप कभी गलत नहीं होगे, कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए बेहतरी आ जाएगी. सो लेट्स स्टिक टू मोर कार्ड्स हियर. किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स. अपने दिमाग की नहीं सुनो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इनर कॉलिंग को फॉलो करोगे तो सक्सेसफुल रहोगे. चाहे वो आपको दिख नहीं रहा सक्सेस राइट ना, लेकिन सक्सेसफुल रहोगे. लेकिन अगर आप दिमाग की सुनोगे और अगर आप सिर्फ कैलकुलेट करके हर चीज़ को करना चाहोगे, तो आपके लिए गलत हो जाएगा. आप शायद अच्छे अपॉर्चुनिटी, अच्छी चीज़ें मिस आउट कर जाओ. सो लिसन टू योर इनर कॉलिंग, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में है, चाहे वो घर के मामलात में है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यों ना है, एक सिचुएशन हो जिसके बारे में आपको डिसीजन लेना है, ट्राई करो कि अपने आप को सीक गाइडेंस. अगर आप खुद से मेडिटेशन करके वो गाइडेंस ले सकते हो, वेल एंड गुड. अगर नहीं, तो आप किसी मतलब टैरो रीडर से या कोई भी साइकिक मीडियम हो जो आपको गाइड कर सके, आप उससे हेल्प ले सकते हो और फिर आप डिसीजन बना सकते हो. लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इनर कॉलिंग है कि ये आपके लिए बेटर डिसीजन रहेगा, लेकिन आप स्टिल वो डिसीजन नहीं ले रहे हो, और जिसकी वजह से आपका ये बाकी का महीना थोड़ा टेंस रहने वाला है, क्योंकि आपका दिल कुछ और कह रहा है और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, और आप मुझे लग रहा है कि दिल से कम दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हो. कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प यू ब्रिंग टुगेदर. अगर एक पर्सन है जिसके साथ आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप आगे चले, तो इन दैट सिचुएशन अगर आप मतलब एक चीज़ मैं आपको गाइड कर दूँ, जिन लोगों ने अपने लव लाइफ से डिसीजन लेना है और उनको नहीं पता, चाहे आपकी लाइफ में शायद हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में अभी कोई भी ना हो, लेकिन जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपको लग रहा है कि शायद वैसी नहीं है जैसा आप हमेशा चाहते थे. अगर आपने हमेशा से एक बिलीफ रखा, एक दुआ की कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे ऐसा चाहिए, ट्रस्ट मी, चाहे जितने मर्जी हज़ारों प्रपोजल आ जाए, कोई वर्कआउट नहीं करेगा जब तक वो प्रपोजल नहीं आता जैसा आप चाहते थे. आपको फिक्रमंद होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर आपने दिल से यकीन के साथ दुआ की, दिल से यकीन के साथ एफर्मेशंस रिपीट की, दिल से
एक विजुअलाइजेशन आपने रखी अपनी हमेशा से कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो आपको वैसा ही मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं परेशान होने की कि पता नहीं ये इंसान कैसा होगा, वो कैसा होगा, फ्यूचर ऐसा होगा या नहीं, फ्यूचर पार्टनर ऐसा होगा या नहीं, आपको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ये सोच के परेशान होने की ज़रूरत है कि मैंने तो ऐसा चाहा था, ये तो ऐसा है। अगेन, हो सकता है कि आपको दिखने में जो चीज़ लग रही है, लाइक जैसे वो बोलते हैं ना कि हर चीज़, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो हो सकता है कि आपको जो दिख रहा है वो आपको लग रहा है कि वैसा नहीं है। वैन यू गेट टू नो, मे बी यू आर गोइंग टू फाइंड आउट कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है, उससे बहुत अच्छा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो लोग अभी इस तरह की सिचुएशन में है जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, आप अभी से भी ये मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप अभी से भी ये यू नो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप एफर्मेशंस यूज़ करो, विजुअलाइजेशंस यूज़ करो, जो भी आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में हो, चाहे वो काम से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में कॉल इन कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में वो क्रिएट कर सकते हो इन चीज़ों के साथ, दुआओं के साथ, एफर्मेशंस के साथ और विजुलाइजेशंस के साथ। अगर आप वो चीज़ें यूज़ करोगे आपके लिए आसानी भी आएगी और आपको आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या होगा अगर ये हो गया, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वही हो रहा होगा, तो व्हाट इफ़ दिस डजंट वर्क आउट, वो चीज़ आपके माइंड में आएगी भी नहीं और आनी नहीं चाहिए। अगर आप राइट पाथ पे हो तो आपके माइंड में कभी वो चीज़ नहीं आएगी, आपको एक श्योरिटी होगी कि जो आपने सोच लिया वही होगा। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग है आपकी दुआ के ऊपर, आपकी खुद के ऊपर, अपनी इंटेंशन के ऊपर। सो अगर आप उस तरह की एटीट्यूड के साथ आगे चलते हो आपके लिए आसानियां हैं, और अगर आप परेशान रहते हो, माइंड चैटर होने देते हो, आपके लिए कन्फ्यूजन्स हैं। सो देखते हैं एक और ओरेकल कार्ड, कंपैशन। ओके, बी जेंटल विद योर सेल्फ, फॉरगिवनेस विल सेट यू फ्री, सी द लाइट इन योर सेल्फ एंड अदर्स। एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो अपने लिए लो, दूसरों के लिए नहीं। जो भी आपको खुशी देता है, जो भी चीज़ आपको खुश रखती है, आप वो डिसीजन लो। दूसरों के कहने पे अगर आप डिसीजन लोगे तो आप खुद के साथ गलत कर जाओगे और कहीं ना कहीं आप खुद खुश नहीं रहोगे, और जब आप खुश नहीं रहोगे तो आप हर चीज़ का ब्लेम दूसरों पर करोगे। अगर आपका डिसीजन खुद का लिया होगा तो आप उस चीज़ को ओन करोगे और वर्क करोगे उसको रिजॉल्व करने के लिए, अगर आपके पास कोई इशू आता है फ्यूचर में। सो ट्राई टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप अपने लिए डिसीजंस खुद लो, खुद के साथ बुरा नहीं होने दो इन दिस सिचुएशन। और अगर आपकी लाइफ में पास में कुछ ऐसे इश्यूज हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनमें आपने किसी और के कहने पे कुछ किया हो और आपके लिए वर्कआउट नहीं किया हो, तो राइट नाउ अगेन, जैसे मैंने शुरू में एक चीज़ बोली थी कि आप जहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना है वहाँ पे आप या तो बहुत ज़्यादा पास में चले फ्यूचर में चले जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा पास में चले जाते हो, जिसकी वजह से फिर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं। आपने वो चीज़ से भी अपने दिलो दिमाग से निकाल देनी है, ना ज़्यादा पास का सोचना है, ना ज़्यादा फ्यूचर का सोचना है। करंट लिव इन द मोमेंट करो और डिसीजन लो, आप सही डिसीजन ले पाओगे। सो ये थी रीडिंग आपकी बाकी के महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपकी सिचुएशन से मैच की हो या आपको गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। Or if you want a personal reading, you can always reach out to me for that on my email ID in the description box. Till I do the next reading for you guys, take care. Bye-bye.